डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने हेलीपोर्ट लाइसेंस देने की प्रक्रिया को अब और सरल कर दिया है। आवेदनकर्ता को अब एक ही पोर्टल पर सभी तरह की मंजूरी मिल सकेगी। इससे पहले आवेदनकर्ता को हेलीपोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए 5 विभागों से मंजूरी लेनी होती थी। DGCA द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विमान नियमों और संबंधित नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए हेलीपोर्ट्स को जमीन या भवन की छत पर उतारने की अनुमति मिली है। इस फैसले से शादी ब्याह में अब छतों पर हेलीकॉप्टर उतारने में आसानी होगी। लाइसेंस लेने के इच्छुक आवेदकों को अब EGCA पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन DGCA को भेजना होगा। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन भेजने के लिए आवेदकों को गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारतीय विमान प्राधिकरण के साथ स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होती थी, लेकिन अब DGCA में समूची प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। इससे आवेदक के लिए ये प्रक्रिया और भी सरल हो गई है और EGCA पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई NOC या मंजूरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से आवेदनकर्ता को आसानी से मंजूरी मिल सकेगी। EGCA पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई NOC या मंजूरी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में नागर विमान महानिदेशालय लगातार कारोबार सुगमता पर ध्यान दे रहा है। DGCA ने देश के दूर दराज क्षेत्रों तक हवाई संपर्क का विस्तार करने और हेलीकॉप्टर सेवा सहित आखिरी पड़ाव तक पहुंचाने के लिए उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की है। इस पहल से उड़ान 5.1 की सफलता को आसानी होगी। DGCA के इस फैसले के बाद अब शादी ब्याह में हेलीकॉप्टर सेवा देने में और आसानी हो जाएगी। साथ ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से दूल्हे राजा आसानी से बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंच सकेंगे और वहां से अपनी दुल्हनिया को आसानी से हेलीकॉप्टर में ला सकेंगे। शादी ब्याह में अब लोगों को अपनी शानो शौकत बढ़ाने के लिए ये अच्छा मौका मिल गया है। इस पोर्टल के जरिए अब लोगों को हेलीकॉप्टर की मंजूरी के लिए ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही पोर्टल पर आवेदन कर 5 जगह से मंजूरी हासिल कर सकेंगे। मोदी सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर देने के लिए पीपल फ्रेंडली नियमों पर जोर दे रही है। इसके तहत नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने DGCA का पोर्टल भी लॉन्च किया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय पिछले कई सालों से देश के दूर दराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने और हेलीकॉप्टर सहित अन्य कनेक्टिविटी को मंजूरी देने के लिए उड़ान 5.1 पर काम कर रही है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पोर्टल की शुरुआत नवम्बर 2021 में की थी। इसका उद्देश्य DGCA द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के क्षेत्र को और बेहतर करना है। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार के इस पहल से लोगों को शादी ब्याह कार्यक्रम में अपनी शानो शौकत में 4 चांद लगाने का मौका मिल जाएगा।